हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि घर पर मेथी कैसे ग्रो की जाती है और मेथी की खेती किस प्रकार से की जाती है। इसकी पूरी जानकारी हम इसके माध्यम से देने वाले हैं। सबसे पहले मेथी ग्रो करने के लिए मेथी की हम बिजाई कर देते हैं मिट्टी के अंदर, और उसके 5-6 दिन बाद का रिजल्ट आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से ग्रो हो गई है। मेथी वैसे तो 2-3 दिन में ही उगकर बड़ी हो जाती है, लेकिन अच्छा रिजल्ट तो 7-8 दिन के बाद में देखने को मिलता है। और अब इसको 25 दिन की हो गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी घनी है और काफ़ी ग्रीननेस भी इसमें देखने को मिल रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी है। और 4-5 दिन के बाद में ये उखाड़ने के लिए भी तैयार हो जाएगी। और यदि आप इसकी कटिंग कर यूज में लेते हैं तो कटिंग के बाद में आप इसको 5-6 कटिंग इसकी आसानी से ले सकते हैं। पानी की बात करें तो पानी खेत की नमी के अनुसार हम दे सकते हैं, इससे कि हमारी मेथी पीली ना पड़े और सूखे नहीं। और ओवर वाटरिंग भी आपको नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग की वजह से भी आपके पौधे सड़ने लगते हैं और इनकी जड़ी गलन हो नहीं लगता है, जिससे कि मेथी सूख जाती है। तो इसका भी आप अच्छी तरह ध्यान रखें। खाद की बात करें तो आप मिट्टी की जुताई के समय ही आप इसमें अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद डाल दें, जिससे कि आपको अपनी मेथी में अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेथी है, इसमें काफ़ी अच्छी ग्रीननेस देखने को मिल रही है। और अब इसकी हम कटिंग कर अपने घर पर काम में ले सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला। तो इस प्रकार से आप भी अपने घर पर किसी गमले के अंदर या फिर अपने खेत के अंदर मेथी ग्रो कर सकते हैं। और यदि इसकी हम कटिंग नहीं करते हैं तो सादा मेथी दाना भी हमें मिल जाता है 3 महीने के बाद में।